और ये सब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये सब तुम 3 से 4 महीने में कर सकते हो, उसका कोड कहीं और यूज नहीं हो सकता राइट, अगर सिर्फ आयुष डेवलपमेंट की बात करें। सो बेसिकली द कॉम्पनसेशन आर लाइक 12 लाख और इवन गो अप टू 24 लाख फॉर अ फ्रेशर। हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक काफी ब्रॉड टर्म होता है एंड इसके अंदर लाइक जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को ज्वाइन करते हो देन तुम अलग अलग टाइप के टास्क कर सकते हो। सो द टास्क कैन बी समथिंग लाइक अ वेब डेवलपर, समथिंग लाइक अ मोबाइल डेवलपर, समथिंग लाइक अ ब्लॉकचेन और वेब 3 डेवलपर एंड इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू मशीन लर्निंग राइट। सो काफी डिफरेंट टाइप्स की चीज होती है, इनमें भी सब डिविजन होती है। सो ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ एक स्पेसिफिक मतलब होता है, इट्स जस्ट मीन दैट यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग कोड राइट। सो दैट बेसिकली व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स एंड इसके अंदर आज हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट व्हिच आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका एवरेज कॉम्पनसेशन क्या है, कि बेसिकली पैसे कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ जॉब्स की क्या वो जो फील्ड है वो डिक्लाइन पे है या इंक्रीज पे है एंड एंट्री बैरियर की उस फील्ड में घुसने से पहले तुम्हें क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए, क्या उसका एंट्री बैरियर बहुत हाई है, कि क्या कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए होती है उसके लिए, क्या ड्यूरेशन होती है वो चीज को अचीव करने के लिए राइट। सो ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज अंकुश गुप्ता एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ऑलराइट, सो द फर्स्ट फील्ड बेसिकली इज वेब डेवलपमेंट। सो वेब डेवलपमेंट एक काफी रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है एंड इसके दो कंपोनेंट होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। सो एक एग्जांपल से समझते हैं क्या मतलब है। सो लेट्स से फेसबुक है राइट। सो फेसबुक में जब तुम जाते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक लॉग इन पेज मिलता है जहां पर तुम अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो, देन तुम एक बटन दबाते हो सबमिट राइट, एंड बेसिकली जिस भी पार्ट से तुम इंटरेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। बेसिकली कोई बटन दबाया जिससे तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट दिख गई, तुमने एक बटन दबाया किसी को पोक करने के लिए, फिर तुमने बटन दबाए किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए राइट, तुमने चैट का बॉक्स खोला उसमें कुछ लिखा किसी को मैसेज सेंड चला गया राइट। जिस भी इंटरफेस के साथ तुम इंटरेक्ट करते हो उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं राइट। सो द फर्स्ट सब डिविजन ऑफ वेब डेवलपमेंट इटसेल्फ इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंडिया में अगर हम बात करें सो इसका एवरेज कॉम्पनसेशन इज 5 लाख बट इट कैन गो अप टू 12, 13, 14 फॉर इवन फ्रेशर्स रोल एंड फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट इट कैन गो टिल 40 लाख राइट। एंड अगर हम नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें तो बहुत हाई नंबर ऑफ जॉब होती है। बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन को काफी सारे फ्रंट एंड इंजीनियर्स की जरूरत रहती है राइट, एंड दीज जॉब आर ग्रोइंग every year right। so front end development which is a sub category of web development could be a very good career option as a software engineer right। so agar hum iski entry barrier ki baat kare so the prerequisites are really very low, like out of my whole list the prerequisites to become a front end web developer are seriously the lowest right। so basically in this agar tumne kabhi coding bhi nahi kari hai to in 3 to 4 months you can actually become a full fledged front end developer right। to iske upar ek road map hamare codingers ke channel pe chala hua hai and to get some free resources you can also check the guide path, basically the guided path of HTML, CSS, JavaScript that is all available free on the Code Studio right। so do check them out front end developers। agar tum ye sab seekh rahe ho basically tum HTML, CSS, JavaScript and ek framework jaise React, Angular, Vue inme se koi bhi ek seekh rahe ho to tum aur ye sab karne mein zyada time nahi lagta, ye sab tum 3 से 4 महीने में कर सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। सो दिस वाज द ऑल अबाउट लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट व्हिच इज अ सब डिविजन ऑफ वेब डेवलपमेंट राइट। सो वेब डेवलपमेंट में दूसरा पार्ट होता है बैक एंड डेवलपमेंट। सो फेसबुक का एग्जांपल लेके चलते हैं। सो लेट्स से तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट देखनी है राइट, तो तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो एक किसी डेटाबेस में स्टोर हो रहे होंगे राइट, तो उस पार्ट को हम बैक एंड कहते हैं। बेसिकली बैक एंड रिलेट्स टू द सर्वर साइड पार्ट, बेसिकली सर्वर्स जो रन कर रहे हैं एंड तुम्हारा डेटा स्टोर हो रहा है वो सारा बैक एंड इंजीनियर संभालते हैं राइट। सो बैक एंड इंजीनियरिंग का एवरेज कॉम्पनसेशन फॉर लाइक इवन अ फ्रेशर रोल इज वेरी हाई, इट्स लाइक 11 लाख पर एनम समथिंग लाइक दैट एंड इट कैन इवन गो टू लाइक 16-18 एलपीए फॉर लाइक बिग कंपनीज लाइक Google, Amazon, right? And experienced people with the experience of like 5 to 6 years can earn up to even like 50-60 lakhs, right? It is a really awesome field to be in, right? And the number of jobs इसमें काफी सारे jobs हैं क्योंकि and number of jobs are increasing day by day why? क्योंकि हम एक world में जीते हैं जहाँ पर हमारा data privacy बहुत important है and एक backend engineer की एक खासियत होती है कि वो data कितनी effectively store कर पा रहा है, वो कितनी securely store कर पा रहा है कि कोई भी तुम्हारा data hack नहीं कर पाना चाहिए, right? तो अगर कि ऐसा लगेगा कि तुम्हारी Facebook
की सारी चैट सही हो गई राइट तो अच्छे लगेगा राइट. सो इसलिए बैक एंड इंजीनियर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई लाइक बीइंग अ बैक एंड इंजीनियर कैन बी एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी इन वेब डेवलपमेंट फील्ड राइट. सो एंट्री बैरियर की अगर हम बात करें सो अभी भी लो है बट थोड़ा सा फ्रंट एंड के बेसिक्स लाइक HTML CSS JavaScript आनी चाहिए एंड फिर बैक एंड में तुम्हें कोई फ्रेमवर्क लर्न करना पड़ता है जैसे Django कर सकते हो तुम Flask कर सकते हो अगर तुम Python यूज कर रहे हो. अगर तुम्हें Node.js करना है अगर जैसे तुम्हें JavaScript ऑलरेडी आती है फ्रंट एंड की वजह से तो अगर तुम्हें Node.js करना तुम वो भी कर सकते हो. Node.js का एक बहुत अच्छा गाइडेड बात हमारे कोडिंग इंजर्स की साइट पर डाला हुआ है तुम उसको चेक कर सकते हो. देन तुम्हें एक डेटा बेस भी उठाना पड़ता है लोग जनरली लाइक पॉपुलर वंस उठाते हैं जैसे MongoDB हो गया दैट्स अ NoSQL डेटा बेस या फिर तुम एक SQL और रिलेशन डेटा बेस भी उठा सकते हो जैसे Postgres जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है इवन MySQL जो तुमने मे बी स्कूल में कराओ. तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो एक बैक एंड डेवलपर बनने में लाइक तुम्हें 4 to 6 months तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो बट इट्स अ रियली ग्रोइंग फील्ड सो इट कैन बी एन रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर राइट. सो जैसे हमने लाइक मैंने बताया था पहले कि वेब डेवलपमेंट हैज बैक एंड एंड फ्रंट एंड राइट. सो वेब डेवलपमेंट में एक तीसरी फील्ड भी होती है विच इज फुल स्टैक डेवलपर्स. बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर्स कौन होते हैं जिसको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों आता हो एंड ट्रस्ट मी दिस इज द way to be right. full stack web development का एक like I guess roadmap पूरा हमारे coding ninjas के channel पे डाला हुआ है तो तुम वो भी जाके देख सकते हो. so अगर हम average compensation की बात करें तो for a full stack developer it is higher than both front end and back end right. so full stack developer का average compensation is around 13 lakhs per annum and अगर तुम experience आता है तुम्हें अगर 5 से 6 साल का experience आता है तो you can actually earn up to 1 crore right. because like web as I said is a very booming market right. web is here to stay like बहुत सारी वेबसाइट है जिनसे तुम डेली इंटरेक्ट करते हो राइट जैसे मतलब फेसबुक हो गया या फिर मतलब गूगल से तुम रोज इंटरेक्ट करते हो राइट. सो इसके अगर हम एंट्री बैरियर की बात करें तो इट इज हाई राइट. सो ऑब्वियसली तुम्हें अगर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आना चाहिए तो तुम्हारा एंट्री बैरियर इसमें हाई होगा एंड इसमें ऐसा होता है कि जनरली तुम्हें एक फुल स्टैक आना चाहिए बेसिकली कि तुम्हें फ्रंट एंड की भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और बैक एंड की भी आनी चाहिए. तो इसके लिए जनरली क्या होता है कि एक कुछ टाइप के प्रीमेड स्टैक्स बने हुए राइट. जैसे मर्न स्टैक हो गया मर्न स्टैक बहुत पॉपुलर है. इसका मतलब होता है कि तुम्हें MongoDB भी आता है तुम्हें एक्सप्रेस आता है तुम्हें रिएक्ट आता है तुम्हें नोड आता है. बेसिकली एक्सप्रेस और नोड जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेजेस है MongoDB तुम्हारा डेटाबेस है और रिएक्ट तुम्हारा एक फ्रंट एंड लैंग्वेज राइट. और इसकी तरह एक पर्न स्टैक भी होता है बेसिकली जहां पर तुम MongoDB की जगह पोस्टग्रेस कर देते हो तो वो एक लाइक रिलेशनल डेटाबेस होता है जो कि आजकल काफी पॉपुलर है राइट. देन एक जैम स्टैक भी होता है एंड आजकल रिएक्ट प्लस फायरबेस भी एक काफी पॉपुलर होता जा रहा है. बेसिकली फायरबेस इज अ बैक एंड एज अ सर्विस सो इट्स बेटर कि तुम अगर बैक एंड सीख लो तो बेटर है बट तुम फायरबेस को भी काफी चीजों के लिए रिप्लेस कर सकते हो राइट. सो अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो फुल स्टैक इंजीनियर बनने में लाइक अच्छा खासा टाइम लगता है. अगेन एज अ सेड कि तुम्हें यू नीड टू नो बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड सो यू कैन एक्सपेक्ट टू बिकम अ गुड फुल स्टैक इंजीनियर इन लाइक 6 to 8 months एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स राइट. बट इट्स लाइक बीइंग अ फुल स्टैक इंजीनियर इन लाइक 2022 इज रियली ऑसम सो यू शुड रियली कंसिडर इन द वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड दैट यू चूज. तो अभी हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में देखा राइट. सो इसके बाद आता है मोबाइल डेवलपमेंट. बेसिकली ये जैसे तुम वीडियो भी देख रहे हो तो हो सकता है तुम वेब पे देख रहे हो पर हो सकता है तुम यूट्यूब ऐप पे मोबाइल पे देख रहे हो. तो मोबाइल डेवलपमेंट में भी 3 sub categories होती है. बेसिकली यू कैन बी एंड्रॉइड डेवलपर यू कैन बी एन iOS डेवलपर और यू कैन बी अ हाइब्रिड और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर. बेसिकली तुम एप्स बना रहे हो वो iOS पे भी चल जाती है और वो एंड्रॉइड पे राइट. सो अगर एंड्रॉइड डेवलपर की बात करें सो इनका एवरेज कॉम्पनसेशन इज नियरली 5 lakhs बट इट कैन गो अप टिल 10 lakhs per annum for a fresher and if for an experienced candidate like agar tumhe 5 6 saal ka experience hota hai then it can actually go till 40 lakhs right. so the number of jobs compared to web developer are less but it is plenty right. job ki koi kami nahi hai android developers ki. aajkal sabke haath mein phone hai right. so logo ko apni app fast karte rehna padta hai jisse wo competition ko beat kar paye to android developers readily hire hote rehte hain right. so there are enough jobs and they are expected to grow even more क्योंकि फोन का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया में राइट. सो अगर हम एंट्री बैरियर की बात करें तो इट इज लो राइट बट स्टिल इट्स अ लिटल डिफिकल्ट टू पिकअप कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट राइट. बट वी ऑल्सो हैव कोर्सेज ऑन कोडिंग दिस यू कैन चेक दम आउट लाइक वी टीच एंड्रॉइड वी आर यूजिंग कॉटलिन सो यू कैन डेफिनेटली चेक दम आउट राइट. सो इसके बाद अगर हम iOS डेवलपर की बात करें सो iOS डेवलपर आर दोस पीपल जो स्पेसिफिकली iPhones के लिए ऐप बनाते हैं राइट. iOS आईफोन का खुद का लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट. सो इनकी एवरेज कॉम्पनसेशन एंड्रॉइड डेवलपर्स से थोड़ा ज्यादा होता है. सो इट्स नियरली 7 lakhs बट इट कैन गो अप टिल 12 lakhs फॉर फ्रेशर एंड फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट एज आई सेड दैट इट कैन एक्चुअली गो टू 40-50 lakhs पर एनम राइट. अगर तुम्हें 5 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है राइट. सो अगर नंबर ऑफ जॉब्स की बात करूँ तो इट इज लेस. वाई क्योंकि तुम्हें पता कि जैसे आईफोन जो है वो उसका खुद का iOS है राइट. सो वो उसका कोड कहीं और यूज नहीं हो सकता राइट.
अगर सिर्फ iOS डेवलपमेंट की बात करें एंड लाइक iOS की लाइक नंबर ऑफ डिवाइसेस कंपेयर टू एंड्रॉइड भी कम है राइट, सो इसलिए जॉब्स भी कम है, बट वही बात है कि सप्लाई और डिमांड में सप्लाई भी कम है। तो अगर तुम्हें iOS डेवलपमेंट का क्रेज है या फिर तुम पैशनेट उस बात में, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड इट एक्चुअली पेज मोर देन वट एंड्रॉइड डेवलपमेंट पेज राइट, बट द जॉब्स आर लेस लाइक कंपेयर टू लाइक वेब के कंपेरिजन में तो बहुत ही कम है एंड एंड्रॉइड के कंपेरिजन में भी कम है राइट। एंड इसका एक सोल्यूशन ये है कि यू कैन डिसाइड टू बिकम अ क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर। बेसिकली आजकल इतने सारे टेक्स्ट स्टैक्स आ गए हैं, जैसे Xamarin जो सी शार्प में लिखा जाता है और React Native जो React JS में लिखा जाता है, जिससे तुम सिर्फ एक कोड बेस लिखोगे एंड वो iOS में भी चल जाएगा और वो Android में भी चल जाएगा राइट। सो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर्स की एवरेज सैलरी फॉर फ्रेशर्स नियरली लाइक 6 LPA एंड गो कैन गो अप टिल 12 LPA एंड फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगेन लाइक द स्काई इज द लिमिट। लाइक ये होता है कि जब तुम एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाते हो देन तुम्हारे स्किल्स कितने हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, तुमने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करा वो काफी मैटर करता है, बट 5 से 7 साल एक्सपीरियंस के बाद तुम लोग लाइक 40-50 lakhs पर एनम कमा सकते हो राइट। सो द नंबर ऑफ जॉब्स आर मीडियम एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो राइट, बिकॉज हाइब्रिड और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में काफी सारी बड़ी कंपनियां घुसी हुई है राइट। बेसिकली फेसबुक का React Native है राइट, सो वो काफी ज्यादा डेवलप कर रहे हैं कि हमें बार बार कोड बेस अलग अलग टीम्स ना बनानी पड़े, सो इट इज रियली एक्सपेक्टेड टू ग्रो। सो यू कैन एक्चुअली लुक एट हाइब्रिड क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट विच आई वुड से इज बेस्ट अमंग द थ्री, बट यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द थ्री एंड यू कैन फाइंड द रिसोर्सेज ऑन लाइक गाइडेड पाथ और यू कैन टेक आवर कोर्सेज फ्रॉम कोडिंग जस्ट फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो अगला आता है ब्लॉकचेन इंजीनियर और वेब 3 इंजीनियर। बेसिकली इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है क्रिएटिंग डिसेंट्रलाइज ऐप। सो डिसेंट्रलाइज ऐप का मतलब क्या होता है, तो जैसे फेसबुक की बात करते हैं राइट, सो फेसबुक एक सेंट्रलाइज ऐप है कि हमारे मार्क जुकरबर्ग जी वो पूरा कंट्रोल करते हैं कि इसमें क्या गाइडलाइंस होंगी क्या नहीं होंगी, उनको गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। पर डिसेंट्रलाइज में कोई भी रूट किंग नहीं होता कि मैं सारे डिसीजन लाऊंगा, इट्स बेस्ड ऑन द यूजर्स राइट। सो ब्लॉकचेन इंजीनियर्स और वेब 3 इंजीनियर्स क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स व्हिच आर आल्सो नोन एज डैप्स एंड दे राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे वेंडिंग मशीन है राइट, वेंडिंग मशीन में क्या होता है, तुम मनी इंसर्ट करते हो, तुम सिलेक्ट करते हो, तुम्हें वो मिल जाता है, देर इज नो मिडल मैन इन बिटवीन। सो दिस इज वट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज, दैट बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देर इज नो मिडल मैन एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फ्रॉम लाइक द यू एज अ पर्सन हु वॉन्ट्स सर्विस एंड द प्रोग्राम और समथिंग दैट इज प्रोवाइडिंग यू सर्विस, दैट्स व्हाट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज राइट। एंड ऑल्सो आजकल तुम सबने सुना ही होगा NFTs, सो NFTs का तुम मार्केट प्लेस बना सकते हो या खुद के NFTs बना सकते हो एज अ ब्लॉकचेन इंजीनियर वेब 3 इंजीनियर। सो इट इज अ रियली रियली एक्साइटिंग स्पेस आई वुड से राइट। एंड इनका एवरेज कॉम्पनसेशन इज एक्चुअली क्रेजी, व्हाई, बिकॉज अभी इंडस्ट्री में इतने लोग नहीं है जो इसको कंप्लीटली समझते हैं राइट। देयर आर रिसोर्सेज ऑनलाइन, आई थिंक येस वी ऑल्सो हैव अ गाइडेड पाथ ऑन ब्लॉकचेन, यू कैन चेक that out, but still since like the demand is not being met by the supply, so basically the compensation are like 12 lakhs or even go up to 24 lakhs for a fresher right. So a definitely interesting field and it can go easily up to like 60-70 lakhs when you get experience of like 5-6 years right. So number of jobs agar main baat karu to they are less, but unki लेस जॉब्स की भी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है राइट, बट दे आर स्टिल लेस, बट दे आर expected to grow exponentially in the coming years, because like तुमने खुद देखा होगा cryptocurrencies और NFTs इन सब का craze and इन सब के around regulations भी आ रही है, तो obviously एक boom भी होगा, like very people are very bullish on this, so I think like personally I think this will grow exponentially in the coming 3-5 years right. So companies like Polygon Network जो एक Indian company है right, so it is already worth like billions of dollars right, so they hire Web3 engineers, companies like Coinbase, Ethereum Network और even काफी सारे crypto exchanges which are in India right, like CoinDCX, CoinSwitch, so they also hire blockchain engineers and like it is a definitely a really cool space to be. So entry barrier की अगर मैं बात करूँ, so it is high right, obviously it is high, and I would say that before moving to this blockchain or web 3 space, you actually need to have a good idea for what are web 2 right. Basically jo humne web development baat kara tha ki front end kya hota hai back end kya hota hai right, so I would really say ki tumhe pehle wo aana chahiye to know this, but if you know like if at least basic idea ki ek server kya hota hai, database kya hota hai, cloud operations kya hote hain, front end mein UI elements kaise kaam karte hain, then you can definitely look at blockchain. In my personal recommendation, I think it will be a really exciting space in the coming future. So the next category as a software engineer which you can explore is, or the best career option might be, is data scientist. So a data scientist is quite simply is someone who analyzes data and usse insights deta hai ki kya kya ho raha hai. To jaise code studio right, uspe agar tum agar tum
तुम्हारा डेटा है राइट, कि तुमने इतनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है, कि जैसे अगर तुम्हें आ रहा है कि तुम्हें डीबी की प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करनी है पर तुम्हें उसका बार बार सोल्यूशन देखना पड़ रहा है राइट, सो डेटा साइंटिस्ट वुड टेक योर डेटा एंड एनालाइज, हे यार तुमने तो डीबी की प्रॉब्लम्स कर रखी है बट यू नीड टू डू देम मोर राइट। सो बट ये एक काफी लेमैन्स एग्जांपल हो गया, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो लाइक मिलियंस और इवन लाइक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ डेटा पे अपनी एल्गोरिथम्स लगाते हैं एंड देन उनसे इनसाइट्स लेते हैं राइट, सो दैट्स व्हाट अ डेटा साइंटिस्ट डज। सो एवरेज कॉम्पनसेशन इज 7 lakhs पर एनम एंड इट इज लाइक इट कैन ग्रो लाइक वंस यू गेट एक्सपीरियंस देन द स्काई इज द लिमिट बेसिकली राइट। सो डेटा साइंटिस्ट इज अ वेरी कूल जॉब टू बी, जॉब्स देयर आर फेयर अमाउंट ऑफ जॉब्स इफ वी टॉक अबाउट इट बट दे आर इंक्रीजिंग ईयरली फास्टर देन लाइक एनी फील्ड बट स्टिल देयर आर फेयर अमाउंट ऑफ जॉब्स इन दिस फील्ड एंड अगर बैरियर ऑफ एंट्री आते हैं सो इट इज हाई। So for a data scientist role, the barrier of entry is really, really high, I would say, because you need to know a lot of maths as a prerequisite, like calculus, linear algebra, and statistics. So I would say like if you really like problem solving and you are decent at maths, I would not say that you need to be good at maths, but if you're decent at maths, then you can definitely look at data scientist, right? So basically, calculus, linear algebra, ये सब तुम करते करते भी सीख सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. But the barrier of entry is still high, I would say, for data scientist. So that's about data scientist. It is a really interesting job, you solve real world problems which is really cool, so it is like one of the best career options for a software engineer. All right, so the final option which is I consider to be the best for a software engineer is a machine learning engineer. So basically machine learning engineer is further down the line than a data scientist with same projects or a company. So basically machine learning engineer basically jo data scientist ne model banaya hoga usko software ke sath incorporate karta hai and then उसके थ्रू वो प्रोडक्ट्स में उसको डिप्लॉय करते हैं, बेसिकली वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को डिप्लॉय करते हैं इन प्रोडक्ट्स राइट। सो डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी की रोल एंड अ वेरी क्रूशियल रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन राइट। सो इसलिए कॉम्पनसेशन भी इसका काफी ज्यादा अच्छा होता है। सो लाइक यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव लाइक अ कॉम्पनसेशन स्टार्टिंग कॉम्पनसेशन एज अ 14 और 18 लाख पर एनम एंड इट कैन एक्चुअली गो अप टू 60-70 लाख पर एनम फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जब तुम्हें 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस होता है राइट। सो अगर जॉब्स की बात करें तो कम जॉब है राइट, बिकॉज इतना क्रूशियल रोल है एंड हर कंपनी का इतनी बैंडविड्थ भी नहीं होती ये सब हैंडल करने की, तो जॉब्स आर फ्यू बट इट इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर राइट, सो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर दिस राइट। एंड बैरियर ऑफ एंट्री इज लाइक द हाईएस्ट अबव ऑल इन विच आई हैव डिस्कस्ड बिफोर दिस बेसिकली, क्योंकि तुम्हें पहले से डेटा साइंस का भी काम आना चाहिए राइट एंड लाइक तुम्हें मैथ्स में, और हमने देखा था डेटा साइंस के लिए तुम्हें मैथ्स में भी अच्छा होता है एंड इसमें तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाहिए बेसिकली, तुम्हें वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट जिसमें भी अपना जो मॉडल है वो इनकॉर्पोरेट करना है वो ऑलरेडी आना चाहिए। सो जनरली एक ट्रेंड जो इंडस्ट्री में भी ये भी चल रहा है, ऑल्दो ये चेंज हो रहा है बट एक ट्रेंड जो चल रहा है कि जनरली जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने मास्टर्स करी भी होती है राइट। सो अ मास्टर्स is like I can put an asterisk on it, if you have a master's then you have a better chance of competing in the job market, but definitely if you like solving real world problems, if you like solving complex mathematical problems even, then machine learning engineer can be a top choice, like it pays well and it has a bright future, I would say, like it would definitely grow a lot. So a really cool option right. So you can also check out our machine learning course on Coding Ninjas if you want to learn more. So yeah, so these were all the best career options in my opinion right. Do learn about this. A lot of the resources are available on Guided Paths on our Coding Ninjas website right. So it has a lot, like usme tumhe React mil jayega, HTML CSS JavaScript mil jayega for web developer, Android ke liye bhi kuch kuch hai and then blockchain ka bhi ek pura like गाइडेड पाथ है, उसको कंप्लीट करने का तुम्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आई गेस दैट यू तुम उसको दिखा सकते हो कि हे अगर जैसे तुम ब्लॉकचेन के लिए जाना चाहते हो तुम उसको दिखा सकते हो कि हे मैंने करा है एंड लाइक मशीन लर्निंग के लिए भी काफी सारे रिसोर्सेज कोडिंग जस्ट पे अवेलेबल है, सो डू चेक देम आउट एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, रियली लाइक इट, आई रियली हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर इट सो आई कुड ब्रिंग आउट द बेस्ट कंटेंट, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव इट ऑलरेडी, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू वांट टू सी नेक्स्ट और व्हाट यू लाइक अबाउट दिस video. So yeah, that's it for this video. My name is Ankush and bye.